गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स 2021 समिट, जिसका होस्ट कंट्री इंडिया है। टेंशन बढ़ी हुई है और अफगानिस्तान क्राइसिस ने वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर में टेक्टोनिक शिफ्ट लाई है। ये समिट दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा और आपको बता दें कि ये समिट ब्रिक्स की 15वीं एनिवर्सरी है। 2020 का समिट रसिया में हुआ था, जिसको अटेंड राजनाथ सिंह ने किया था। उस समय इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन काफी बढ़ा हुआ था। अब इस वीडियो के हम मेन मुद्दे पे आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिक्स समिट में क्या क्या रिजोल्यूशन पास हुए और किस किस बातों पे एग्रीमेंट हुई। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, नंबर वन में इसमें आपको दिख रहा है कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 4C का मंत्र दिया, जिसका मतलब है कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अगर फिर हम अगर नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान पे एग्रीमेंट हुआ है और एक्शन प्लान 2021-24 और एग्रीकल्चर कोऑपरेशन पे भी एग्रीमेंट हुआ है। इसके बाद वैसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ में आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर बात की गई है। इसमें क्वेटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है और UNFCCC का प्रिंसिपल कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी पर भी जोर दिया गया। और उन्होंने इस बात पर भी सहमति बनाई कि पेरिस एग्रीमेंट का मैंडेट, जो कि डेवलप्ड कंट्री को फंडिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डेवलपिंग कंट्री को करनी है, उसको इम्प्लीमेंट को शुरू किया जाए। आगे हम देखते हैं आगे क्या क्या है। अगर हम आगे देखेंगे तो 71 नंबर में ब्रिक्स कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात की गई है। इसका मतलब है कि जिस तरह से एशियन गेम होता है, कॉमनवेल्थ गेम होता है, उस तरह से ब्रिक्स गेम कराने की बात की गई है। और चाइना को 2022 विंटर ओलंपिक और पारा ओलंपिक गेम के लिए इन चारों देशों ने हामी भर दी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 72 नंबर उस तरह का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 74 नंबर में हम देखते हैं, या आप कह सकते 74 नंबर में, कि 2022 का समिट चाइना में होगा। उसके लिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह से चाइना का सपोर्ट किया है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है, ये जितना भी रिजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें आप 74 पॉइंट देख रहे हैं, इसमें तालिबान का जिक्र नहीं हुआ है। ये एक सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई इस समिट का, क्योंकि अभी के समय में अफगानिस्तान क्राइसिस सबसे बड़ी क्राइसिस है। मोदी जी ने अफगानिस्तान क्राइसिस पे भी बात रखी और उन्होंने काउंटर टेररिज्म के खिलाफ सभी देशों को मिलकर लड़ने की बात की। वहीं पे पुतिन ने अफगानिस्तान क्राइसिस के लिए USA को दोष दिया है। तो आगे चलकर यह काफी इंटरेस्टिंग होगी कि इन देशों के बीच किस तरह का रिश्ता बना हुआ रहता है। अब ब्रिक्स समिट का जानने के बाद अब हम जानते हैं कि आखिर यह ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स 5 देशों से बना हुआ है। पहले यह ब्रिक थे, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। ब्रिक 2006 में फॉर्म किया गया था और साउथ अफ्रीका 2009 में शामिल हुआ, इसलिए ब्रिक्स का सेटअप 2009 माना जाता है। लेकिन अगर आप 15वीं एनिवर्सरी जो इस बार है उस हिसाब से देखेंगे तो ब्रिक्स 2006 में बना था। ब्रिक्स में 5 कंट्री दिख रहे हैं आप, इनका आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर हम इनके कैपिटल और करेंसी की बात करें तो ब्राज़ील का कैपिटल है ब्रासिलिया और इसका करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। चाइना का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है येन। साउथ अफ्रीका का कैपिटल 3 है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, लेजिस्लेटिव का अलग है, जुडिशियल का अलग है। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे सरकारें बैठती हैं उसका राजधानी है प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन ये जुडिशियरी का कैपिटल है, यहाँ पे कोर्ट बैठती हैं। लेजिस्लेटिव जहाँ पे पार्लियामेंट रहती हैं, इसका कैपिटल है केप टाउन। इंडिया का तो आपको पता ही है रुपया और कैपिटल है दिल्ली। रसिया का कैपिटल है मॉस्को और वहाँ का करेंसी है रशियन रुपये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड में, इसका यहाँ पे दिया हेडक्वार्टर इसका संघाई में है, फॉर्मेशन 2009 में हुआ है।
अगर इनका ट्रेड का हम बात करें तो ब्रिक्स कंट्री का टोटल वर्ल्ड जीडीपी का 24% है और वर्ल्ड ट्रेड में इसका 16% शेयर है। आगे बढ़ते हुए हम फिर से देखते हैं कि ब्रिक्स का मेन उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, अगला है इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल, तीसरा है कल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये तीन थीमों पे ब्रिक्स को बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है, जिसको 2015 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसके अभी प्रेसिडेंट केवी कामत है। इसको $100 बिलियन फंडिंग के साथ बनाया गया है, जिसमें शेयर आप देख सकते हैं तो हर देश का इक्वल शेयर है। मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो भी वोटिंग पावर है वो सारा देशों का बराबर है। अगर आप IMF वर्ल्ड बैंक से तुलना करें तो वहाँ पे वेस्टर्न कंट्री का ज़्यादा दबदबा है, वहीं पे न्यू डेवलपमेंट बैंक में अगर हम देखें तो पांचों कंट्री का शेयर बराबर है। इसलिए उन गवर्नेंस के मामले में उन इंस्टीट्यूशन से ये ज़्यादा बेहतर है। अगर हम बात करें तो इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक में मात्र 5 देश ही नहीं हैं, इसमें बहुत सारे देश हैं। हाल में ही यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश शामिल हुआ है। आगे अब बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ब्रिक्स का चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर चैलेंजेस के रूप में हम देखें तो ये चाइना सेंट्रिक है, मतलब चाइना इन पांचों कंट्री में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इसको चाइना अपने रूप से चलाना चाहती है, इसलिए इसको चाइना सेंट्रिक भी लोग सब बोलते हैं। डाइवर्स इंटरेस्ट है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तालिबान का इशू, वहाँ पे रसिया और इंडिया एक साथ हैं, दोनों अपने इलाकों को टेररिज्म से बचाना चाहते हैं। आप सेंट्रल एशिया रसिया का ले सकते हैं, इंडिया का कश्मीर ले सकते हैं, ये दोनों देश टेररिज्म से बचना चाहते हैं। वहीं पर अगर आप चाइना को देखेंगे तो अफगानिस्तान के मिनरल पे ज़्यादा उनका ध्यान है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, नॉट बीन इफेक्टिव। इसको इफेक्टिव इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इससे मात्र 5 ही कंट्री है, इसलिए बैन जो उसको शेयर बोल सकते हैं उस पर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए बोला जा इसमें और देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए। चौथा हम देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज डोंट लाइक इट। ब्रिक्स को उन लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रिक्स में जो भी 5 कंट्री हैं आने वाले समय के मेजर इकोनॉमिक पावर है, तो वो उनको बस ये डर है कि ये ब्रिक्स अगर सक्सेसफुल हुए तो उनका जो मोनोपोली है जैसे IMF पे, UN पे, वर्ल्ड बैंक पे, वो कम हो जाएगा, इस चाहते हैं। वेरियस इशू में अगर हम मानते हैं तो जैसे अगर आप देखें चाइना और इंडिया दोनों का बॉर्डर डिस्प्यूट है, रसिया और चाइना इन लोगों का भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन ये कंट्री अपना बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि चाइना अपना पता ही है कितना अकुरु देश है। ये सारे इशू हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अगर अपॉर्चुनिटी का बात करें ब्रिक्स को क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अचीविंग मल्टीलैटरलिज्म, मतलब UNSC में अपना जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो वीटो पावर है मात्र 5 देशों में है, उसको बढ़ाने के लिए भी ब्रिक्स मदद कर सकता है। NSG में इंडिया का मेंबरशिप नहीं है, उसमें मेंबरशिप लेने के लिए वो चाइना से इंगेज रह सकता है, इस तरह से ये ब्रिक्स मदद कर सकता है। और एक तरह से मदद कर सकता है कि ब्रिक्स अभी मात्र 5 देश है, ये ब्रिक्स चाहे तो और देशों को शामिल कर सकता है जिससे इसका जो पकड़ है और मजबूत हो और पैन कॉन्टिनेंटल इसका प्रभाव पड़े। अगला है कॉम्बैट टेररिज्म। ये ब्रिक्स जो है टेररिज्म से फाइट करने में बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है या कह सकते हैं प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, क्योंकि रसिया, चाइना और इंडिया तीनों को टेररिज्म से खतरा है। चाइना का जो जिनजियांग रीजन है, इंडिया का कश्मीर है और रसिया का सेंट्रल एशिया है, तो तीनों देश मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ सकते हैं। तीसरा है प्रमोटिव साइंस अटैक। ये कंट्री साइंस एंड टेक में एक दूसरे का मदद कर सकते हैं और जिससे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, जो क्लाइमेट क्राइसिस है, ये सब में मदद कर सकते हैं। आने वाले समय में जो फूड क्राइसिस है उसमें भी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। आप पीछे भी देखे होंगे कि क्लाइमेट चेंज पर बात किया गया है। यह ब्रिक्स इन देशों को क्लाइमेट चेंज पर जोड़ और बेहतरीन तरीके से जोड़ सकता है और नए नए टेक्नोलॉजी लाने में मदद कर सकता है और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको
टेक्नोलॉजी फंडिंग से भी ये मदद कर सकता है। और जब वहीं पे जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज का मोनोपोली है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, उस पर भी इन लोग प्रभाव दे सकता है। अगर आप तीसरे नंबर पे बात करें तो साइंस एंड टेक है। इसमें क्या है कि एक दूसरे जो चाइना है वो टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, इंडिया है वो अपना सर्विसेज के लिए जाना जाता है। तो ये कंट्री आपस में मिलकर काम कर सकते हैं जिससे इनका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, जिससे इनइक्वालिटी पॉवर्टी ये सब कम हो। चौथा पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। आप 46 नंबर पे देखे थे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया गया है। तो ये ब्रिक्स नेशन है वो वेस्टर्न कंट्री पर दबाव दे सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक रहें और अपने जो और पेरिस में जो एग्रीमेंट किए हैं उस पे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर सकें। लास्ट रीजन है तालिबान इशू। ये अभी का सबसे बड़ा इशू है। ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तालिबान इशू को रिजॉल्व करने में बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना रसिया इंडिया ये तीनों टेररिज्म से खतरा है, तो इनको इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस चैनल को ज़रूर शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी वीडियो में कमी है कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उस पर हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।